इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर सरपंच पद के प्रत्याशी अर्जुन सिंह और उनके प्रतिनिधित्व कर रहे दुला राम जी यहां डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं एक तरफा माहौल यहां पर दुला राम जी के लिए नजर आ रहा है, जहां पर हर वर्ग उनके साथ जुड़ रहा है, उनके साथ हाथ से हाथ मिला, कंधे से कंधा मिलाकर वोटों की अपील कर रहा है, घर घर जाकर लोगों से जो साइकिल का चुनाव निशान है उन पर बटन दबाने की अपील कर रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी साथ हैं, बुजुर्ग भी है, युवा भी है, बच्चे भी छोटे छोटे प्रचार में लगे हुए हैं। सुबह से ही ये जारी है क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे के बाद जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि लोग हैं यहाँ पर उनके साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रचार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे भाई साहब? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो भी पब्लिक सरपंच पद को चुने, अच्छा आदमी को चुने जो गांव का विकास करा सके, गांव का अच्छा काम करे उसको चुने। अपने जन की वोटों का माहौल है अपना प्रेम से। आज प्रचार का आखिरी दिन है, क्या लगता है कि किसका जोर है? देखो जी, वैसे तो माहौल तो यही बना हुआ है कि हमारे दुला राम जी अर्जुन सिंह जी हैं जो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है इनको, पूरा आप देख रहे हो इतना जन सैलाब है इनके साथ है। और 101% श्योर है कि ये सीट हमारी क्लियर होगी। बाकी हमें जो पंचायत का है योगदान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कितने वोटों से जिताएंगे? देखा जाए तो कम से कम मैं मानता हूँ एक तरफा माहौल है जी, और ज़्यादा नहीं, हम 200 प्लस वोट से जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, लगता है मेहनत रंग लाएगी? लाएगी जी, जरूर लाएगी। कितने प्रतिशत? देखो जी, अभी तो वोटर हैं, क्या कह सकते हैं। सत श्री अकाल जी, पहला मेरे वालों सारे। हाँ जी, तो क्या लग रहा है फिर आप प्रचार में, आज पूरी ताकत झोंक दी आपने? जी बिल्कुल, प्रचार बहुत बढ़िया हो रहा है। मान के चलो भी जिन्ने भी कैंडिडेट ने, अपने वोटर ने, सपोर्टर ने, सारे बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं। पिंड का जो माहौल है वह बिल्कुल एक तरफा हो चुका है, क्योंकि असी भी जी जान ला रखी है, उन्होंने पता है कि भाईचारा बना के रखना है, तो भाईचारा बिल्कुल कायम रहूगा। जी, तो लगता है कि भी जीत पक्की है? जी बिल्कुल, जीत पक्की पूरे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल लाएगी, क्योंकि मेहनत दिल से करने हैं, सभी भाइयों का साथ है। ज़्यादा नहीं कहता मैं, 200-250 वोट प्लस मिलेगी, क्योंकि माहौल है एक तरफा है। हम तो यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक वोटरों की जो है वोट भुगताई जाए, और उसके बाद क्या है जो माहौल है उसको ठंडा बनाए रखें, क्योंकि हमारा जो काम है अपील करना है, वोट मांगनी है, वो हम तय दिल से मांग रहे हैं। सभी भाइयों का, सभी गाँव वासियों का, सभी युवा साथियों का बहुत बड़ा साथ है जी। गाँव का बहुत संयोग मिल रहा है हमारे को, जितने बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, सबका आशीर्वाद दे रहे हैं दुल्ले को, दुल्ले भाई के साथ कहना खड़े हैं, गाँव वाले बोल रहे हैं। घर घर तक साइकिल पहुँचा? हाँ जी, घर घर साइकिल जा रही है। जीते रहे तो असली भी साइकिल दे देंगे घर में बुजुर्गों को, बस। तो रोड पक्की हो जाएगी ताकि साइकिल चला सके? रोड पक्की, नशे के लिए भी हमने दुल्ले भाई को बोल दिया, भी इसके खिलाफ नशे के हम मुद्दा उठाएंगे, ये भी बंद करेंगे। हाँ, नशा बंद कराएंगे, ये अहम मुद्दा है जाखल गांव का, स्पेशली बाजीगर बस्ती का, जो इस वक्त नशे का अड्डा बनी हुई है। वो माहौल यहाँ पर दुला राम जी के लिए यहाँ पर देखा जा सकता है, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार का अंतिम चरण है और देख सकते हैं आप तस्वीरें, एक घर घर जाके, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है और एक एक घर तक पहुँचना है, जो चुनाव निशान है साइकिल का वो पहुँचाना है, इसलिए पूरी जोर यहाँ पर देखी जा सकती है। एक तरफा माहौल पर देख सकते हैं कि बच्चियाँ, छोटी छोटी माताएँ, बहनें, हर कोई उनके साथ है। 36 बिरादरी का यहाँ पर साथ देखा जा सकता है, सभी को साथ लेकर चलने वाले है वो दुला राम जी। मेहनती है और पहले भी उन्होंने काम किया है गांव के लिए, और गांव इन्होंने उम्मीद जताई है आगे भी इसे बढ़ चढ़ कर दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास होगा यहां पर, और गांव में वो जो समस्या अब तक थी वो खत्म होगी यहां पर। सर, आज आपका आज अंतिम दिन है, इसके 5 बजे का चुनाव प्रचार थम जाएगा, कितना जोर है, कितनी मेहनत है? बहुत बढ़िया है जी, जितने भी 1234 वोटर हैं बहुत प्यार मिल रहा है, और आज का माहौल देख के बहुत ही लोग खुश हैं। और अपील कर रहा हूँ लोगों से, मेरा माहौल देख के वोट खराब मत करना, मैं आपसे अपील करता हूँ, जो वादे किए पूरे करूँगा, और जो भी मेरे में कमी हो मेरे को माफ़ कर देना। वैसे तो मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं, जो कोई रह जाए तो मेरे को माफ़ कर देना, एक मौका दे देना, मैं बेनती करता हूँ 1234 वोटरों से। घर घर तक साइकिल पहुँचा दी है? हाँ जी, घर घर जाके नारे लगा दिए, साइकिल का निशान पहुँचा दिया जी। तो साइकिल, लोगों का कहना है कि जब आप बन जाएंगे साइकिल का निशान पहुंचा रहे, बाद में साइकिलें भी पहुंचाएंगे? साइकिल भी पहुंचाएंगे जी, हर घर साइकिल दे देंगे, और जितना भी होगा उतना ही करेंगे, इनकी सेवा भी करूंगा 5 साल डट के तन मन धन से। ठीक है, आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता से अपील करेंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा वादा है नशा खत्म करना, कहीं उस पर लगाम लगाना और नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुँचाना? वो तो मैंने लिखती रूप में दे रखा जी, मेरे हर पोस्टर पर लिखा हुआ है, वादा किया मुकर जाऊँगा, लेकिन लिखा तो नहीं मुकरूंगा ना, जो मैं वादा किया पूरे करूंगा जी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा, इसी वादे को लेकर इसी आश्वासन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक 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 वोटर के पास जा रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो जो लिखा है एक एक वादा उसे पूरा किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना जन समर्थन यहाँ पर दुल्ला राम जी के साथ, अर्जुन सिंह के साथ यहाँ देखा जा सकता है। सभी यहाँ पर उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनका चुनाव निशान है साइकिल का वो घर घर में नजर भी आ रहा है। देखो जी सबसे बढ़िया तो ये है कि पहली बार रिजर्व सीट आई है और बहुत एजुकेटेड अर्जुन सिंह जी जो के भतीजे हैं दुल्ला सिंह जी के समाज सेवी के, ऐसे लग रहा है जैसे माहौल सारा एक पास हो गया हो। तो अमेरिका को तो ऐसे उम्मीद लग रही है कि बहुत वोटों से जीतेंगे। आज आप लोग घर जा रहे हैं, लोग आपके साथ समस्या भी रख रहे हैं, किस तरह की समस्या आपके साथ रख रहे हो, क्या उम्मीद जता रहे हैं आपसे? मैं लोगों घर जा रहा हूँ जी, ज़्यादा साफ सफाई की समस्या बता रहे हैं, जो लाइट की समस्या है वो बता रहे हैं और मौका भी दे रहे हैं मेरे को, और आने वाले समय में लाइट होगी, गलियों की सुधार होगी, साफ सफाई की एक कमी मेरे को दिख रही है, लोग बता रहे हैं कमी दूर कर दूंगा जी। ठीक है जी, पहले भी आपने काम किया है, लोग कहते हैं कि आपके लिए बड़े से बड़ा काम छोटा है, इसीलिए आप पे विश्वास जता रहे हैं। मैं मानता हूं जी मेरे लिए कुछ भी नहीं है काम, लेकिन जनता मेरे को साथ देगी तो सब कुछ हो जाएगा। कैसी हम आने वाले 5 साल में हम कैसा देख सकते हैं गाँव को? आने वाले 5 साल में गाँव को आप देखोगे ना जी, तस्वीर बदल दूंगा जी। एक तरफा तस्वीर बदल दूंगा, जब जाखल में एंट्री होगी तो लोग देखेंगे जाखल में आ गए। आपका और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सुधार होगी, वादा करता हूँ। क्योंकि देखो जाखल देखे पूरा अगर मंडी और गांव को मिलाकर बहुत पिछड़ा वाला एरिया, गांवों की हालत तो और ही भी ज़्यादा ख़राब है। उम्मीद है जाखल की जो पूरी सिचुएशन गांव की स्पेशली वो सुधरेगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ जी सुधारूंगा, मन तन धन लगा दूंगा जी। मंत्रियों से ग्रांट लेकर आएंगे गाँव के? जरूर लेके आऊँगा जी, मंत्रियों से ग्रांट लूँगा, घर से तो मैं लगाऊंगा नहीं, हाँ। मेरे पास इतने लगाने के लिए है नहीं, लेकिन कहाँ लगाने पड़ेंगे, घर से वहाँ भी लगाऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग घर घर जा रहे हैं तो इसके बाद गायब तो नहीं हो जाएंगे? कहीं नहीं जाऊंगा जी, मैं इनके पास ही हूँ, 20 साल से पहले भी इनके पास हूँ, अभी इनके पास रहूंगा। ठीक है, लोग आपसे किस तरीके से आसानी से संपर्क कर सकेंगे? बस मैं तो रोड पे घर है जी, बाहर बैठा रहता हूँ, कहीं हम लाएंगे पहला जाऊँगा, सबसे आगे रहूँगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने वादा किया है कि सबके साथ रखे चाहिए, कोई भी समस्या आप आसानी से इनके पास आके रख सकते। सर आज के दिन हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से 1200 वोटरों से अपील करता हूं, इनको नमन करता हूं, इनकी एक एक कीमती वोट मेरे को देके विजय बनाएं और मैं जो वादे किए हैं वो पूरे करूंगा। मेरा जो निशान सिंह ने साइकिल है जी, साइकिल पे मोर लगाओ और मेरे को विजय बनाओ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। ये थे दुल्ला राम जी, जिनका पूरा समर्थन गांव वालों का यहां पर उनके साथ है और उनका चुनाव निशान है साइकिल का निशान, और उम्मीद है कि जब साइकिल जो विकास की साइकिल है वो पूरे गांव में दौड़ेगी और पूरे गांव का विकास होगा और नशे का खात्मा होगा, यहां की तरक्की होगी और हर गांव गलियां सड़कें पक्की होगी। उम्मीद है 25 तारीख को जब वोटिंग डलेगी तब इनके साइकिल के निशान पर कितने वोट डलेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनसमर्थन कितना साथ है और कितना रंग लाएगा इनकी मेहनत। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।